जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहाँ है, आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही। वो जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूँ कि साहब ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाए तो सही। हाय रे वाजपेयी, महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है डूब मरो दिल्ली वालों डूब मरो। ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की, यहाँ तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने GST डाल दिया। तो मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों ये दिल्ली वाले पाप करते हैं। हाय हाय वाजपेयी महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का, इसलिए मेरे नेता और लाइक माइंडेड पार्टीज ने तय किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहाँ आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था, आपका कहां से रहेगा। मैं महोदय मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे हाय रे भाजपाई महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, हाय रे भाजपाई महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं महोदय मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं, मैं आपको सोर्स बताऊंगा। माननीय महोदय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उसके आंकड़े आपको देना चाहता हूं। अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे, मैं सोर्स दिखाता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था, वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया 7.79%। ये हालत है इस देश की। इसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आंकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1 मई 2014 26.17 रुपया प्राइस थी, वो 14 मई को और 22 मई को 35.85 रुपया 37% बढ़ा दिया आपने। गेहूं 20.05 रुपया था, आपने 28.01% कर दिया, माने 37% बढ़ा दिया। आप ये सारी चीजों पे आपने बड़ा लंबा लिस्ट है, मैं इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा मोदी जी कुछ वर्ड क्वाइन करने में बहुत होशियार है। उन्होंने क्वाइन किया टॉप टोमेटो ऑनियन एंड पोटेटो टॉप, और ये आम आदमी के लिए आम नागरिक के लिए टॉप जरूरी होता है, उसकी प्राइसेस टॉप पे चढ़ा दिया आपने, ये हकीकत है। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं आपको ये कहता हूं आपके जरिए महोदय वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है, और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, उस JNU की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है, जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, मैं उस JNU का बहुत समर्थित हूं,
मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील हैं, आप जरा गुजरात के उस अखबार को चार दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाद डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है, महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गवा देते हैं, मैं विषय इसी के जुड़ा है मैं कहता हूं, और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई, वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अभी गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पहुंचने नहीं गए, वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाएं और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, हमारी बात, ऑपोजिशन की बात, लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात नहीं, मैंने जब आज के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत मानते हो, बहुत सुनते हो, नरेंद्र भाई ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है, मेरे सोशल मीडिया पे लगाई है, और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूंगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है भाइयों बहनों कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते, वो सरकार किस काम की, ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशल मीडिया पे है। महंगाई के परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी, राहत नहीं दी आपने, जीएसटी का और मार दिया, रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया, और तीन चीजों पे बढ़ाया आपने, जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी, 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है, एक गरीब रुकता है, उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया, अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए, आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने, सिर्फ 98,000 करोड़, और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया, किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो। मैं महोदय जावड़ेकर साहब माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अराम को, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अराम को के मुताबिक 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था, और उस वक्त हम देते थे बॉटल 400 से 415 में, आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया, और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी, लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है, आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। मैं
महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब थी उसके आखिरी 3 साल का एवरेज, जावड़ेकर जी आप देखिए उस 3 साल का एवरेज, कच्चा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल, और हम कितने में देते थे, कभी 100 रुपया नहीं पहुंचने दिया। और आपकी सरकार का लास्ट 3 साल का एवरेज देखो, कच्चा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल, माने आधा हो गया, पर आपने 100 के पार कर दिया। आप ये एक सेकंड दे दीजिए, एक मिनट, आधा मिनट। मैं आपसे यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धो डालो, हम कहां से धोएंगे, कम करना है तो तुम तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था, वीडियो है मेरे पास, मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि एक पैसा कम नहीं किया था वैट का। आज आप महाराष्ट्र की दुआएं देते हो। एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं, जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थडेट है और दोनों बर्थडेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है, ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, बताओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो 2 लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं 2 लाइनें। आपका टाइम ओवर हो चुका है, बस एक कविता की 2 पंक्तियां। हाय हाय भाजपाई महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी। धन्यवाद श्री डेरेक ओब्रायन।